नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों कल IPL के दो मैच है, जिसमें एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और दूसरा है DC वर्सेस KKR। तो हम सबसे पहले आज ड्रीम इलेवन की टीम देखने वाले हैं, RCB वर्सेस RR यानी राजस्थान रॉयल्स। तो सबसे पहले फिर से ड्रीम इलेवन पर चलते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं ड्रीम इलेवन और क्लिक करते हैं ड्रीम इलेवन पे, और यहाँ पे फिर से लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऑलरेडी मैं अपने अकाउंट पर साइन इन हूँ, तो हमें इस पर क्लिक करनी है एक बार फिर से, जो पहली मैच है उस पर, और यहाँ पे क्रिएट अ टीम करना है। इसके बाद इस तरह का व्यू है, तो मुझे मैं इस तरह के व्यू पर आ जाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें जॉस बटलर इतने फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे और उनके पॉइंट भी 10.5 है, तो हमें इन्हें नहीं सिलेक्ट करना है। AB डिविलियर्स काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, तो हमें इन्हें लेना होगा, क्योंकि ये कभी भी अपने अकेले के दम पे मैच का पलट सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पार्थिव पटेल, फिलिप्स, रावत, ये तीन ऑप्शन और है, और ये संजू सैमसंग एक ऑप्शन है। तो संजू सैमसंग काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, हर मैच में वो बेहतर परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, तो हमें इन्हें भी नहीं छोड़ना है और हम इन्हें भी अपने टीम में शामिल करेंगे। इसके बाद हम आएंगे बल्लेबाजी पर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइजिंग डिसीजन बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधा शुरुआत करता हूँ स्टीव स्मिथ से, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी काफ़ी संजू सैमसंग के साथ मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को जिताने में उनका भी काफ़ी बढ़िया रोल रहा है, तो मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद एरन फिंच पर आते हैं, एरन फिंच को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और RCB को काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। इसके बाद दीपक पड़िकल, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो दो मैच में अच्छी पारियाँ खेलकर अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, तो हमें इन्हें भी लेना है। तो इसके बाद डेविड मिलर, उथप्पा, देश पांडे, इन सबको मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा। हम चलते हैं सीधा ऑलराउंडर पर। ऑलराउंडर्स में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन हमें यहाँ पे भी काफ़ी कम ऑप्शंस लेने हैं। स्टोक्स नहीं, मॉरिस नहीं, हमें शिवम दुबे को लेना है, क्योंकि ये अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और आखिर में अगर उन्हें बैटिंग का मौका मिले तो वो बैटिंग में भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके बाद हम मोइन अली खेल नहीं रहे, तो इनको नहीं ले सकते। हम अब तेवतिया को लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वार्टर को जो 5 छक्के मारे थे एक ओवर में, इसके बाद हमें रिस्क नहीं लेना है इन्हें बाहर रखने का। वॉशिंगटन सुंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे, लेकिन हमें एक ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए, इसलिए हम वॉशिंगटन सुंदर को भी इस बार नहीं लेंगे। और बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पर, ऑलराउंडर में हमें कोई भी नहीं लेना है। इसके बाद हम आते हैं बॉलिंग पर। बॉलिंग में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है यजुवेंद्र चहल का। यजुवेंद्र चहल ने हर मैच में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो हमें इन्हें टीम में शामिल करना ही होगा। बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर ने बल्ले गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया है। उन्होंने एक मैच में लगातार एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में और चांस मिलने पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, तो हमें इन्हें भी नहीं छोड़ना। इसके बाद आता है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी को ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, समय समय पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, समय समय पर अच्छी गेंदबाजी करने के बाद उनको यहाँ पे शामिल करना ही होगा टीम में। अब हमारे पास 9:30 बजे है, तो अब हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन है टॉम कुरन का। अब हम टॉम कुरन को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और इसके बाद हमारी ये टीम ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम तैयार है। तो अब हमारी हम देखिए, जैसे देख सकते हैं संजू सैमसंग, AB डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ, एरन फिंच, पडिकल, तेवतिया, दुबे और गेंदबाजी में टॉम कुरन, जोफ्रा आर्चर, चहल और नवदीप सैनी, हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त टीम बन चुकी है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करनी है और हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब
पेचीदा काम नहीं है। हमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास ऊपर ही मौजूद है। संजू सैमसंग ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इस MPL में, तो हमें उन्हें कप्तान के तौर पर कप्तान बनाना है। तो AB डी विलियर्स ने उनके बाद सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, उन्हें वाइस कप्तान बनाना है, क्योंकि दोनों ने 200 से ज़्यादा पॉइंट दिए। और मुझे नहीं लगता तेवतिया और कुछ और 200 से ज़्यादा पॉइंट अब तक किसी ने नहीं दिए, और ये दोनों कीपिंग भी कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें कैचेस के और स्टंपिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों को कप्तान और वाइस कप्तान बनाएंगे। तो अब ये हम सेव टीम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये विनिंग ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम बन चुकी है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी टीम आपको कैसी लगी इसको भी आप कमेंट कीजिए और इसे भी लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।